स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 23 में से एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ से शुरू करने का मकसद ये है कि इससे पहले हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला टॉपिक मुकम्मल कर लिया है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ओवरऑल प्रोसेस जो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया हुआ है वो है क्लोनिंग ऑफ जीन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, वो जो क्लोनिंग ऑफ जीन उस मेथड से की जाती है जिसके अंदर हमारे पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस के जरिए अलग किया जाता है और उसको किसी वेक्टर यानी प्लाज्मिड में रखा जाता है, और प्लाज्मिड में रखने के बाद उसको एक एक्सप्रेशन सिस्टम में रखा जाता है, और एक्सप्रेशन सिस्टम से मुराद कोई बैक्टीरिया वगैरह है, और फिर जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें हमारे जीन के क्लोन्स मिलते हैं। वो मेथड एक क्लासिकल मेथड है जीन के क्लोनिंग का। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीका है। सो 1983 के अंदर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैरी बी मुल्लिस। इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ईजाद किया जिस मेथड को इस्तेमाल करके हम किसी भी अपने टारगेट डीएनए को बड़ी आसानी से मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हैं। सो एक सिंगल स्मॉलर डीएनए का पीस उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है, कैन बी एम्पलीफाइड बाय यूजिंग दिस टेक्निक। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या दूसरे अल्फाज में हम इसको एब्रीवेट करते हैं PCR। स्टूडेंट्स, ये PCR से मुराद यही है कि एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम अपनी मर्जी का डीएनए डालते हैं, उसके बाद डीएनए को कॉपी करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज़ डालते हैं, और डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाने के लिए उसमें प्राइमर्स ऐड करते हैं, यानी सारा मटेरियल बाहर से प्रोवाइड करते हैं। फिर ये एक टेम्परेचर बेस्ड टेक्निक है। इस टेम्परेचर बेस्ड टेक्निक से पहले डीएनए को डीनेचर किया जाता है, यानी एक अगर फ्रेगमेंट हमारे पास डीएनए का है और इसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, मुराद इससे हम कॉपीज बनाना चाहते हैं। सो दिस इज अ टारगेट डीएनए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए विल बी डीनेचर्ड। आफ्टर डीनेचरेशन द प्राइमर्स विल अटैच, एंड प्राइमर अटैचमेंट विल फॉलोड बाय द एक्सटेंशन विद द डीएनए पॉलीमरेज, एंड copies of DNA polymerase will be made. So it means ये एक artificial DNA amplification है। इसलिए ये जो polymerase chain reaction है ये उस classical gene के cloning को replace नहीं कर पाया, लेकिन जब कभी कोई minute quantity हो DNA की और DNA के test करना हो, analyze करना हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना हो, तो उस थोड़ी सी डीएनए की मिकदार को काफी सारी मिकदार में बढ़ाकर फिर उसके ऊपर टेस्ट किए जा सकते हैं। सो इसलिए यह टेक्निक इस्तेमाल होती है, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम इसके यूजेस बाद में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ टेक्निक इन विच मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन कैन बी प्रोड्यूस्ड, और अ स्मॉलर डीएनए पीस कैन बी एम्पलीफाइड। मतलब एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा जो है उसकी कई एक मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाई जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक जिस तरह से लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा वैसे आपको रिप्रेजेंट नहीं करना, मैंने इसको सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है ताकि आपको ये तैयार करना आसान रहे। सो इस PCR को ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए। सो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जैसा कि आम आप डीएनए की एप्लीकेशन पढ़ते हो और वहां पे पढ़ते हो कि डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 आपने पढ़ा होगा, वो ऐसे एंजाइम्स हो जो डीएनए को रेप्लीकेट करते हैं।
सो यहां पे भी हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, लेकिन आम डीएनए पॉलीमरेज नहीं चाहिए, यहां पे वो डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है टैक पॉलीमरेज। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? टैक पॉलीमरेज। क्यों? कि पीसीआर मशीन के अंदर अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल टेम्परेचर का होना है, सो आम डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर हो जाएगा, इसलिए पीसीआर में रखा जाने वाला डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है टैक पॉलीमरेज। ये एक बैक्टीरियम है जिसको कहते हैं थर्मस एक्विटिकस, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, गर्म पानी के चश्मों में रहता है, वहां से उस बैक्टीरियम से लिया गया एंजाइम है, ताकि ये एक ऐसा एंजाइम हो जिस एंजाइम में थर्मोस्टेबिलिटी मौजूद हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसको टैक पॉलीमरेज कहा जाता है, क्योंकि ये थर्मस एक्विटिकस से लिया जाता है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? दैट इज डीएनए टू बी एम्पलीफाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, वो डीएनए का टुकड़ा जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, जिसकी कॉपी बनानी है, वो हमें चाहिए। तीसरी चीज इसमें चाहिए प्राइमर्स, वो वाले प्राइमर्स जो के डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करवा सकें। और ये प्राइमर्स क्या हैं? ये 20 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस पर मबनी एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो के डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करवा सकता है। सो तीसरी चीज क्या चाहिए? खुद थर्मोसाइक्लर, यानी पीसीआर मशीन। उसको थर्मोसाइक्लर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर बेस्ड वर्क होना है, इसलिए पीसीआर का दूसरा नाम जो है वो थर्मोसाइक्लर भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मटेरियल, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि टैक पॉलीमरेज है, वो वाला डीएनए जो एम्पलीफाई करना है, डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, एंड प्राइमर्स ऑफ 20 बेस सीक्वेंस, एंड थर्मोसाइक्लर आई मीन पीसीआर मशीन। सो दिस इज द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ पीसीआर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं पहले भी एक समरी से आपको बता गया हूं, वो क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन से मुराद ये है कि जो हमारे पास टेम्पलेट डीएनए है, ये यहां पे पहला स्टेप में देखें, ये वो डीएनए का टुकड़ा है जिसकी हमने कॉपीज बनानी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डीएनए का टुकड़ा पहले डीनेचर करना पड़ेगा, यानी इसकी दोनों स्ट्रैंड अलग अलग करना पड़ेगी। ये डीनेचरेशन की जाती है इसको हीट करके एक मिनट। सो व्हाट इज डीनेचरेशन? दैट इज द सेपरेशन ऑफ बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विद द एप्लीकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर फॉर 1 मिनट। हमने अगली क्लासेस में ये पढ़ना होता है कि ये टेम्परेचर अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो डीएनए को डीनेचर कर देता है। ये देखें, यहां पे डीएनए जुड़ा हुआ है, यहां दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई। ये पहले स्टेप में काम हुआ। स्टूडेंट्स, अगला स्टेप है कूलिंग, या हम उसको हायर लेवल पे जाके बोलते हैं प्राइमर अनीलिंग। क्या कहते हैं? प्राइमर अनीलिंग, यानी प्राइमर का चिमट जाना। कूलिंग क्यों करेंगे? क्योंकि उस हाई टेम्परेचर पे आके एंजाइम जो है उसने काम नहीं करना, और ना ही प्राइमर से जुड़ना है, इसलिए वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया जाता है। सो कूलिंग की जाएगी, कूलिंग के साथ साथ प्राइमर भी अटैच हो जाएंगे। ये दूसरे स्टेप में आप देखें, यहां पे वो जो स्ट्रैंड्स अलग अलग हुई थी, यहां पे अब उन दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग डायरेक्शन पे प्राइमर्स अटैच हो चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि प्राइमर एक ऐसी चीज है जिसके बाद फर्दर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करते 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 स्ट्रैंड्स पूरी एक्सटेंड कर देता है। सो कूलिंग के अंदर प्राइमर अनिलिंग हो गई, यानी प्राइमर अटैचमेंट हो गई। इसका थर्ड स्टेप होता है डीएनए पॉलीमरेज का रिएक्शन, यानी कि एक्सटेंशन भी इसको कहा जाता है। यहां पे जो प्राइमर लगा था, उस प्राइमर के साथ डीएनए पॉलीमरेज ने इस डायरेक्शन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कर दी, और नीचे वाली स्ट्रैंड पे यहां जो कि प्राइमर लगा हुआ था, डीएनए पॉलीमरेज ने ये एक्सटेंशन इस तरह से कर दी। सो वो जो एक डीएनए का टुकड़ा था, वो अपने तीसरे स्टेप में 2 डीएनए की कॉपीज में कन्वर्ट हो गया। इसको हम कहते हैं एक साइकिल। चूंकि टेम्परेचर बेस्ड ये साइकिल्स हैं, इसलिए आपको मैंने पहले ही कहा कि इसका नाम है थर्मोसाइक्लर। अब अगर पीसीआर को इस लेवल पे रोका नहीं जाता डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से वो इन दो नई बनने वाली स्ट्रैंड को एक टेम्पलेट स्ट्रैंड या ओरिजिनल स्ट्रैंड के तौर पर लेने लग जाता है, और ये रिएक्शन रिपीट होने लग जाता है।
फिर से अब पहले एक डीएनए का टुकड़ा था, उसके स्ट्रैंड्स अलग हुई, तीसरे लेवल पे प्राइमर अटैच हुए, डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड को मुकम्मल करके दो कॉपीज बना दी। अब अगर ये साइकिल दोबारा चलने लग गया तो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स के साथ वो तीनों स्टेप्स रिपीट किए जाएंगे, यानी कि डीनेचुरेशन, कोलिंग एंड एक्सटेंशन। सो अप टू मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड आर टारगेट डीएनए कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस टेक्निक। डियर स्टूडेंट्स, ये डीएनए पॉलीमरेज का ऑपरेशन या इसके काम करने का तरीका हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस डीएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल करके जो पीसीआर का काम किया जाता है या जो पीसीआर परफॉर्म किया जाता है या जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, ये कौन कौन सी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी फर्दर हमने यूज ऑफ पीसीआर को डीएनए एनालाइज करने के लिए या डीएनए के सीक्वेंस के लिए हमने इस्तेमाल करना है और वो हमने सीखना है। सो यहां तक जो हमने पढ़ा है दैट इज अबाउट व्हाट इज पीसीआर एंड हाउ इट वर्क्स। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम फर्दर इसके इस्तेमालात पढ़ेंगे, इसके यूजेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।